गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के असाइनमेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको असाइनमेंट को शो करेंगे जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड होगा, जिससे कि आप अपने असाइनमेंट को अच्छा बना पाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे और टाइम रहते उसको पूरा भी कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम सब बीएड स्टूडेंट के साथ में गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोर्स भी बहुत सारा होता है, साथ में इतने सारे फाइल्स होते हैं, लेसन प्लान्स होते हैं, बहुत सारा हमारे पास वर्कलोड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि इन सबको एक टाइम रहते कैसे पूरा किया जाए। तो ये वीडियो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को हमारा जो टॉपिक है, जो असाइनमेंट का टॉपिक है, वो है एन एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन वुमेन पोर्ट्रेल ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये हमारे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का असाइनमेंट का टॉपिक है, एन एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि हम इस असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें राइट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मीडिया, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूज ऑफ मीडिया, वुमेन एज डिपेक्टेड बाय मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इंटरनेट, टेलीविज़न, इन चारों में वुमेन को किस तरीके से दिखाया जाता है ये बताया गया है। फिर आ जाता है वुमेन से रिलेटेड एक एक्ट, फिर सजेशन एंड कॉन्क्लूजन। तो चलिए अब हम आपको फाइल दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आभार राइट करना होता है, एक्नॉलेजमेंट राइट करना होता है। एक्नॉलेजमेंट राइट करने के बाद आपको अपना असाइनमेंट स्टार्ट करना है। वही मीनिंग ऑफ मीडिया, मीडिया के बारे में हमें राइट करना है, फिर डेफिनेशन राइट कर देनी है उसकी, और मीडिया से रिलेटेड इस पेज पे आपको कुछ भी पेस्ट कर देना और ड्रॉ कर देना है। मुझे ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मैं ऑलवेज ड्रॉ करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ मीडिया, उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। मीडिया थ्री टाइप्स का होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मास मीडिया। फिर जो आप यहाँ पर राइट कर रहे हो उसी को आपको इस वाले पेज पर पॉइंट में आपको डिस्क्राइब कर देना है, ताकि ये पेज खाली ना रहे, क्योंकि असाइनमेंट में आप प्लेन पेज नहीं छोड़ सकते हो। आप जितना ज़्यादा पेजेस को कवर करोगे उतना ज़्यादा असाइनमेंट अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे सिर्फ दो ही मीडिया के बारे में हमने बताया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ही उन्होंने पूछा है टॉपिक में। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ मीडिया, टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मीडिया, प्रिंटेड मीडिया के टाइप्स बता देना है और ऐसे इधर भी अपना एक फ्लो चार्ट बना देना है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मीडिया ही कंटिन्यू रहेगा, समाचार पत्र, मतलब टाइप्स ऑफ मीडिया के दो दो पॉइंट्स बता देना है। जैसे प्रिंट मीडिया के हमने दो बता दिए, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके भी हम दो बता देंगे टाइप। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में थोड़ा सा ओपन कर देना है, देन हमें उसके टाइप बता देने हैं। जैसे उसके टाइप होते हैं टेलीविज़न एंड रेडियो। ऐसे इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइप।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या क्या यूज़ है, हम मीडिया को क्यों यूज़ करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है मीडिया की हमारी लाइफ पे, किस किस काम को करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो बस वही यूज़ ऑफ मीडिया को भी छोटे छोटे पॉइंट्स में इस तरीके से मैंने एक चार्ट के थ्रू, ऐसे बलून्स के थ्रू इसको अट्रैक्टिव कर दिया है। आप पेस्ट भी कर सकते हैं, बस वही अगेन मुझे ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वुमेन को कैसे मीडिया में प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आप उसका एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगा सकते हो। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट, फिर न्यूज़पेपर में किस तरीके से एंड मैगज़ीन में किस तरीके से पोर्ट्रेल किया जाता है। तो इधर न्यूज़पेपर की आप उधर कटिंग लगा सकते हैं। देन आ जाता है नेक्स्ट, इंटरनेट में किस तरीके से एक वुमेन को दिखाया जाता है। ऐसे ही आप दूसरे वाले साइड पे, प्लेन वाले साइड पे एक पिक्चर लगा देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा महिलाओं का टेलीविजन में प्रस्तुतिकरण, यानी कि टीवी में किस तरीके से एक वुमेन को दिखाया जाता है, और फिर यहाँ से उसका एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है कि टीवी में जो एक लेडी है उसको काम भी आना चाहिए, वो बेबी को भी संभालते हुए होनी चाहिए, किचन भी उसको संभालना है, उसको बाहर वर्किंग भी रहना है। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐसा क्रिएटिविटी दिखाई है, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है वो जो हमारा एक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। ये मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक डायग्राम बनाया है, ये एक सर्वे था। आप भी ऐसा ही कुछ नेट से निकाल कर अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देन है सजेशंस, और यहीं पर ही फाइल एंड हो जाती है। इसके बाद कॉन्क्लूजन एंड रेफरेंस आप लोगों को अपने आप डालना है, और ये फाइल के लिए आपको बुक्स जो हैं वो हमारे जो सेकंड ईयर में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उससे हेल्प मिल जाएगी, एंड फर्स्ट ईयर की जो TTT की बुक्स है उससे भी आप लोगों को फाइल बनाने में हेल्प मिल सकती है। आप उन दोनों बुक्स को लेकर वहाँ से अपनी फाइल्स को बना सकते हैं। होप करती हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपके असाइनमेंट के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असाइनमेंट्स और फाइल बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हम इस चैनल पर आपके लिए असाइनमेंट्स, फाइल से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आएंगे, और साथ में कंटेंट्स को भी आप लोगों को कवर कराएंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कराएंगे आपके सब्जेक्ट के। गाइस अभी तक हमारी जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनसे रिलेटेड आती थी, क्योंकि हमारे 18 से 20 वाले बैच का पेपर चल रहे थे। अब वो पेपर हमारे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए अब हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा, असाइनमेंट्स, फाइल्स सबको कवर कराया जाएगा। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम रहते
मिल सके। पहले गाइस वीडियो इवनिंग में अपलोड की जाती थी वन डे स्किप कर कर, अभी भी वीडियो वन डे स्किप कर कर ही अपलोड होगी बट मॉर्निंग में। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।